चार्ल्स हॉस्किन का सिंगुलैरिटी नेट पे इंटरव्यू है एक दिन पहले का, तो वो एआई और क्रिप्टो करेंसी उसके बारे में बात कर रहा है। तो चार्ल्स हॉस्किन के बारे में एलिसन मैकडोएल करके एक औरत है कंस्पिरेसी थ्योरी वाली, वो चार्ल्स हॉस्किन उसका बार बार नाम लेती है कि सरकार को फ्री में सॉफ्टवेयर देता है लोग गवर्नेंस के, और क्या बोलते हो सीबीडीसी वाले, और कैसा सरकार को एम्पावर कर रहा है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। चल वो ये सब ठीक है, लेकिन चार्ल्स हॉस्किन गांडू भी है। अभी वो इंटरव्यू में क्या बोला कि चाइना और यूएसए का लैब्स एआई यूज़ करके विराट कोहली बन रहा है, और कोविड का जो इफेक्ट था, दहशत था, वो वापस लाया जा सकता है। क्या ये इतना बेवकूफ़ है कि इसको मालूम नहीं वो जो विराट कोहली का स्कैम है वो कुछ था ही नहीं, गधा है क्या वो? बाद में वो टोचन और क्लॉटिंग का भी बोल रहा था, पर गधा बोल रहा था कि लैब में विराट कोहली बना के लीक होगा, लीक करेंगे और ऐसा डेवस्टेशन तबाही लाएंगे। चूत फकीर साला, मतलब कैसा है, डर का माहौल बना रहा है। अक्कल नहीं है उसको कि कुछ था ही नहीं, जो भी न्यूज़पेपर में साइंस जर्नल में पढ़ा सब उसने सच मान लिया। तो इनका थ्योरी क्या है, विराट कोहली डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस अगर विराट कोहली बन भी गया तो दो कंप्यूटर वीडियो गेम खेल रहे, अनफोल्डिंग प्रोटीन, प्रोटीन अनफोल्डिंग फोल्डिंग का। तो इसने विराट कोहली बनाया, इसने दवाई निकाला, इसने विराट कोहली बनाया, इसने दवाई निकाला, ऐसा कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेल के बायोवेपन बन रहा है। लेकिन तू बोलता है विराट कोहली बनाया कंप्यूटर ने, तो दवाई भी तो बना के देगा। लेकिन ये लोग कंप्यूटर में विराट कोहली बना सकता है कोई भी आदमी, रेगुलेट की बात कर रहा है, रेगुलेट, ये भी ऐसी आइटम है चार्ल्स हॉस्किन, रेगुलेट मी डैडी, रेगुलेट, जैसे अपने क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस सरकार के पास जा के बोलते थे रेगुलेट करो, टैक्स लगाओ, टैक्स ले, लगा दिया ना टैक्स, अभी बोलते कम करो, रेगुलेट कम करो। ये ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं, रेगुलेट बोल रहे हैं। ये इसका अलग ये निकलेगा, तो ये रेगुलेशन चिप लेवल पे होगा। यूएस में कुछ तो नियम है कि इतना कंप्यूटेशन पावर लगता है तो केवाईसी देना पड़ता है, ऐसा कुछ एआई में मैंने सुना था, पर एग्जैक्ट समझा नहीं मेरे को। तो ये लोग कंट्रोल करेंगे चिप लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं कि खुद के पास पूरा क्लियर कट ओपन चिप रहेगा जिसमें नो रेगुलेशन, लेकिन आम आदमी के पास चिप वैसा देगा जिसका कंप्यूटेशनल लिमिटेशन होगा। और ये जो रेस है इसमें चिप का करंटली एक ही कंट्री है, वो एक कंपनी है जो 8 नैनोमीटर्स का उससे छोटा चिप बना सकती है, सारे कंपनीज उससे ही चिप बनाती है, वो ताइवान के है और एक साउथ कोरिया का है।
बाकी किधर इतना छोटा लेवल का नैनो टेक्नोलॉजी का लेवल का चिप नहीं बनता है। तो यूएस वाला कर रहा है कि 3 नैनोमीटर का, 2 नैनोमीटर का, क्वांटम की लेवल के नज़दीक जाके चिप बनाने का, और असली लफड़ा चिप का ही है। अपन चल ओपन सोर्स डाउनलोड करेंगे, कंप्यूटर पे रन करेंगे, लेकिन अपन चिप नहीं बना सकते। वो चिप बनाने का काम हाईली सोफिस्टिकेटेड है और उसके लिए बड़ा मशीन्स लगता है, नैनो टेक्नोलॉजी लगता है, मटेरियल साइंस लगता है, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सिर्फ ताइवान का एक कंपनी है जो लीड करता है, और एक साउथ कोरिया का, बाकी कोई नहीं बनाता। तो उधर से कंट्रोल होगा, चिप अपने को लो क्वालिटी का मिलेगा। तो चिप लेवल पे कुछ ओपन सोर्स साइंस मटेरियल की लोग घर पे चिप बना सके, ऐसा कुछ निकलना मांगता है, क्योंकि चिप पे कंट्रोल तो यूएसए का है। और ये जो कंप्यूटर चिप्स जिसके पास है वो राजा है, वो टेक्नोलॉजी में कुछ भी कर सकता है। इंडिया के पास भी नहीं है सेमीकंडक्टर और ये चिप का, तो अल्टीमेटली यूएस के पास होगा, रशिया चाइना के पास भी होगा। वो लोग क्या, वो लोग को मालूम है यूएस के पास रहेगा तो ऐसा होने नहीं देंगे। वो लोग काफ़ी टेक्निकली एडवांस है, वो लोग अपने लिए सबसे बेस्ट चिप का मैन्युफैक्चरिंग का बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन बाद में बाकी के छोटे कंट्रीज और अपने जैसे गरीब लोग आते हैं जिनको चिप का एक्सेस लिमिटेड होगा, तो ये लफड़ा होने वाला है। और ये चूतिया चार्ल्स हॉस्किन बोलता है रेगुलेटेड रेगुलेटेड, किस पे रेगुलेशन लाने वाला है तू, हमारे पास? और यूएस गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट, रशियन गवर्नमेंट, वो लोग पे कुछ भी रेगुलेशन लगा ही नहीं सकते, तो वो लोग कुछ भी हथियार बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बायोलॉजी वाला वो झूठा है, वो डराने के लिए है, और वीडियो गेम खेल के कंप्यूटर ने विराट कोहली बनाया, डरो डरो लैब से लीक हो गया। इतना, इससे बड़ा होक्स किधर भी नहीं देखा मैंने। लैब से लीक हो गया मतलब क्या, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क से बाहर आया और फिर लोगों के नाक में घुस के, तो हथियार बना रहे। बट इट इज़ अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला और बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, यूट्यूबर मतलब कंस्पिरेसी वाले, कि नैनो टेक्नोलॉजी से बॉडी के अंदर सर्किट बना देंगे। ये ऐसा बहुत सुना है मैंने, इंटरनेट ऑफ बॉडीज, ट्रांसह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है, पर ये रियल है क्या? कंसेप्ट तो है ये पता नहीं, क्योंकि दवाई में क्या डाल के देंगे वो पता ही नहीं चलेगा। और वो नैनो चिप्स रहता है इतना सा, उसमें लाखों ट्रांजिस्टर रहता है, ऐसा कुछ है, तो वो दिखता भी नहीं है, और उसमें इतना ट्रांजिस्टर्स रहता है। तो इमेजिन जिसको टोचन घुसाया, इतना लिक्विड उसमें क्या डाला रहेगा। तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है नैनो वाला, और वो कितना लेवल तक है इसमें थोड़ा राज है। बाकी विराट कोहली आया, वो झूठ बोला गया लोगों को डराने के लिए। तो चार्ल्स हॉस्किन इल्यूमिनाटी का आदमी है कि ऐसा ही बोलता है, सॉफ्टवेयर तो बना के दे रहा है सरकार को, और सारे एआई कंपनी सॉफ्टवेयर गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर सरकार, सारे कंट्रीज के सरकार को दे रहे हैं, और ऐसा करके हाईजैक करेंगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सॉफ्टवेयर तो फ्री में दे रहे हैं, एआई फ्री में दे रहे हैं,
कैसे वर्क करने का नॉलेज भी फ्री में दे रहा है, तो करने क्या वाले हैं? और तू विराट कोहली का डर फैला रहा है, उसको लगता है सब लोग चूते हैं, उसका वीडियो देख के सब लोग डर जाएंगे, अरे कंप्यूटर पे विराट कोहली बनाया। मैं तुमको बताया ना जो कि प्रोटीन अनफोल्डिंग और फोल्डिंग का जंग चलता है, दो वीडियो गेम, दो कंप्यूटर वीडियो गेम खेल रहे हैं, प्रोटीन अनफोल्डिंग और फोल्डिंग हो रहा है, बस ये कंप्यूटर पे हो रहा है। और अरे ये विराट कोहली आया और सॉल्यूशन आया विराट कोहली का, और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि इतना तबाही मचेगा विराट कोहली जब निकलेगा लैब में से, तो वो कंप्यूटर सिमुलेशन है, उसमें अल्गोरिदम डाले ले कि अरे कंप्यूटर में ये विराट कोहली डाला है, अरे फिर 1-3 में जाएगा, 3-2 में, और इसका मॉर्टेलिटी रेट भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि 5% क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, 20%, तो कंप्यूटर मॉडल में जो ये लोग ने डाला है उसके बेस पे तबाही का प्रेडिक्शन आता है। और वो डर फिर ये लोग न्यूज़ मीडिया को देते हैं और न्यूज़ मीडिया वाह वाह करता है, और ऐसे करके डर का माहौल फैलाया जाता है, कोई विराट कोहली नहीं है। और चलो तुमने अमीनो एसिड के सीक्वेंस से प्रोटीन बना देगा, पर अभी लोगों के अंदर डालेगा कैसा? यही त्वचन ही विराट कोहली है, वेपन है, इससे ही डाला जाएगा त्वचन से, हवा से नहीं आएगा। अभी पाउडर छिड़कते ये करते, बट आई डोंट थिंक नैनो वाला टेक दे कैन रिलीज इट फ्रॉम एयर, इट नीड्स टू बी इन अ कंटेनर, और कंटेनर वही है टोच, और जिसको घुसा के क्लाउड कंप्यूटिंग या सर्किट बनाया जाएगा और विराट कोहली का डर फैलाया जाएगा।